जो बिल्ड है वो मेनली हमारा बजट बिल्ड था और हमारे सब्सक्राइबर प्रथमेश का बिल्ड था। हम लोग ने इसमें क्या यूज किया अभी के टाइम पे? सर ये पूरा बिल्ड कस्टमर्स चॉइस था, तो मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। इसमें हमने यूज किया राइजन 5 3400G बोर्ड यूज करा है, गीगाबाइट B450 MDSTH विद 4 रैम स्लॉट्स। रैम जो थी इसमें सिर्फ 8GB अभी सिंगल एक यूज करा है बिकॉज ऑफ कस्टमर का, अभी बोल रहे एकदम बजट सेगमेंट पीसी है। 8GB 3200 MHz क्रूशियल की बेलास्टिक्स रैम है इसमें। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो इसमें SSD जो यूज करा है दैट इज किंगस्टन A2000 NVMe 500GB सोल SSD, दो हार्ड ड्राइव। उसके बाद आप देखेंगे कैबिनेट एंड ईस्पोर्ट्स आइस 211TG कैबिनेट यूज करा हुआ है हमने। पावर सप्लाई जो है वो एंटेक का 450 वॉट एटॉम सीरीज का यूज करा है जो बजट वाइज बहुत अच्छे प्राइस में आता है और ये मशीन के लिए रिकमेंडेड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मॉनिटर है वो है सैमसंग का 24 इंचेस मॉनिटर है जिसमें 75 Hz आपका रिफ्रेश रेट के साथ आता है, फुल HD स्क्रीन के साथ है विद IPS पैनल। ओके, और मेनली ये जो पूरा बिल्ड है ये बिल्ड हमें कितने तक पड़ जाएगा? सर तकरीबन ये देखो पूरा सेटअप अलॉन्ग विद योर मॉनिटर एंड आपका कीबोर्ड माउस जिब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर्स, ये पूरा सेटअप हमारा गया 45,700 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके, और अगर किसी को ये जो बिल्ड लेना रहेगा तो आप बाहर से अगर है मतलब महाराष्ट्र से नहीं है तो शिपमेंट का क्या रहता है सर? शिपिंग इट टेक्स 3 to 4 days सर पैन इंडिया। देखो अभी यहाँ पे जो लेजेज डिलीवरी जो पार्टनर्स है डिलीवरी एंड फेडेक्स, तो ये दोनों वर्क बहुत अच्छा काम कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं शिपिंग के। ओके, मतलब 2 to 3 days में हो जाएगा। लाइक वंस यू प्लेस द ऑर्डर मशीन बन जाएगा, डिस्पैच होने में 2 to 3 दिन में आपको मटेरियल मिल जाएगा। और गाइस एक रिक्वेस्ट है प्रतीक सर को, जब अभी आप ऑर्डर प्लेस करोगे कॉल मत करो, डायरेक्टली व्हाट्सएप से आप ऑर्डर दो क्योंकि प्रतीक सर को अभी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका कोटेशन आपको रिप्लाई विद इन अ डे मिल जाएगा। तो ये था गाइस वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू।